देखिए, आज दिनांक 6/4/2024 को पुलिस को सूचना मिली कि डकैती और हत्या की घटना में एक अभियुक्त मौलाउद जलालुद्दीन, जो कि हाथरस का रहने वाला है, वह घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक टेम्पो के साथ पालीवाल पार्क से संजय पैलेस की ओर जा रहा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई। थाना हरिपर्वत की टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक टेम्पो, एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और डकैती के दौरान लूटे गए 1200 रुपये बरामद हुए। इसके साथ ही अभी माननीय न्यायालय के सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाए। पूछताछ में क्या जानकारी मिली, कितने लोग शामिल थे, लोकेश का लोगों से क्या संबंध था? देखिए, अब तक की पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि यह घटना 6 लोगों के द्वारा पारित की गई थी, जिसको मेनली कासिम ने प्लान किया था। लोकेश पहले से व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था, तो उसे पता था घर में कौन रहता है, किस समय रहता था। लोकेश ने बातें कासिम को बताई, कासिम ने बाकी लोगों को साथ मिलाकर इस घटना को कारित किया। प्लानिंग में ये तय हुआ था कि कासिम, लोकेश, आशु ठाकुर और राजू कुशवाहा, ये लोग घर के अंदर जाएंगे और घटना को कारित करेंगे। वह भोला और जलालुद्दीन और सालिम ये बाहर रहकर ऑटो से रेडी करेंगे। एक अभियुक्त की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक की आज हो गई है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। कुछ अभियुक्तों को उनके घर वालों द्वारा छह दी जा रही है, जिस कारण से अभी वो हमारी पहुंच से बाहर है। आने वाले समय में ऐसे शरणदाताओं के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक। जलालुद्दीन को कासिम ने किस तरीके प्रलोभन देके शामिल किया था, क्या कहा था? देखिए, जैसा कि पूछताछ में बताया गया, भोला जलालुद्दीन नशे और जुए का आदी है और इसी क्रम में उसे लालच दिया गया था कि उसे भी कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए वो इस घटना में वो भी शामिल हुआ। उसके ऊपर भी पहले से एक मुकदमा पंजीकृत है 2021 में। लूट के बाद बंटवारा जो हुआ था, उसमें इसको कितना हिस्सा मिला? देखिए, अभी तक तो इसे लगभग 2000 के आसपास मिला, जिसमें 1200 रुपये पुलिस ने बरामद कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।